अगर आप एंटरटेनमेंट, फनी एंड अनरियलिस्टिक कंटेंट चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल भी मत देखना। जो लोग लाइफ में सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, वही इस वीडियो की इम्पोर्टेंस समझेंगे। बाकी लोग पहले एक दो मिनट में ही बोर होके छोड़ देंगे। तो नॉलेज को अनलॉक करते हैं एंड वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था माइक्रो बिजनेस चालू कैसे करते हैं, कैसे राहुल की जॉब चली जाती है और उससे राहुल एक अच्छा साइड बिजनेस, एक अच्छा माइक्रो बिजनेस तैयार करता है। इस वीडियो में हम लोग उसके आगे वाले स्टेप्स डिस्कस करने वाले, अपना माइक्रो बिजनेस कैसे चालू करें। सो आप भी आपके जॉब के साथ साथ कोई भी एक माइक्रो बिजनेस चालू करने में इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो आगे देखना। कोई भी माइक्रो बिजनेस चालू करने के लिए 5 रूल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला, पैशन। हर एक लोगों के पास ऐसा एक पैशन, ऐसी एक अपनी खुद की हॉबी रहती है जिसमें काम करने के लिए हर एक इंसान को बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील होता है। सो हमारा माइक्रो बिजनेस हमारे पैशन के रिलेटेड होना चाहिए। सबको ऐसा लगता है हमारे अकाउंट में ज्यादा पैसा हो, लेकिन कोई भी उसके लिए मेहनत नहीं करता, कोई भी अपना पैशन ढूंढने के लिए मेहनत नहीं करता। सेकेंड रूल आता है, कम से कम आपको बिजनेस चालू करने के लिए 10,000 इंडियन रुपीज आपके पास होने चाहिए। ये 10,000 इंडियन रुपीज बहुत ही मिनिमम है ताकि आपको कोई भी छोटा सा इन्वेस्टमेंट आप 10,000 में कर सकते हो। और अगर आपके पास 10,000 भी नहीं है तो आप कोई भी छोटा मोटा काम करके सेविंग कर सकते हो और अपने 10,000 जमा कर सकते हो। थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट रूल आता है, आपको ऐसा माइक्रो बिजनेस मॉडल सिलेक्ट करना है जिसमें आपको 50,000 पर मंथ इनकम आनी चाहिए। फोर्थ रूल आता है, इसमें कोई भी स्पेशल स्किल की जरूरत ना पड़े ताकि कोई भी एक कॉमन मैन, कोई भी एक हाउसवाइफ भी अपना बिजनेस चालू कर सकते। इसके लिए एग्जाम्पल दूं तो अगर आपका कॉफी बेचने का बिजनेस है तो कोई भी अनएजुकेटेड आदमी भी कॉफी रोस्टर मशीन सीख के उसको हम लोग जॉब पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका डेंटिस्ट का केबिन हो तो एक डेंटिस्ट ढूंढना और उसे जॉब पे रखना बहुत ही मुश्किल होता है। सो आप समझ रहे हो, कोई भी ऐसी स्किल जो ज़्यादा स्पेशलाइज ना हो ताकि उसके लिए हमें बाद में ज़्यादा एफर्ट्स ना लेने पड़े और ईजिली हमारा काम कोई और रिप्लेस कर सकता है और हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए। और फिफ्थ रूल जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको हमेशा आपके माइक्रो बिजनेस में 5 से कम लोग काम पे लगाने हैं, क्योंकि अगर आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ता है और अगर उसमें 5 से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो आपके लिए ऐसा जॉब क्रिएट कर रहे हो जो नॉर्मल जॉब से भी ज़्यादा हार्डवर्क करवाते हो। तो ऐसे बिजनेस का क्या फायदा जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दे सकता, आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता। आई वॉन्ट टू से आपको ज़्यादा टाइम फ्री नहीं दे सकता। देखो दोस्तों, इस दुनिया में दो टाइप के बिजनेस मॉडल हैं। पहला एकदम ओल्ड स्कूल, मतलब इन्वेस्टर के पास एक आइडिया आता है, वो बैंक से लोन ले लेता है, ऑपरेशंस करने के लिए मतलब बिजनेस रन करने के लिए सीईओ ढूंढता है, कंपनी रन करता है और फिर बाद में स्टॉक मार्केट में उसकी लीनामी करता है। और सेकेंड बिजनेस मॉडल आता है वेंचर कैपिटलिस्ट वाला, मतलब कोई भी एक आदमी रहता है, उसको बिजनेस की आइडिया आती है और वो आइडिया के साथ वो अपनी टीम बिल्ड करता है और वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाके फंडिंग रेज करता है और अपनी कंपनी चालू करता है। इन दोनों मॉडल में हर एक की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है। ईच कैटेगरी में हर एक बिजनेस सक्सेसफुल भी होता है और फेल भी होता है। बट हम लोग माइक्रो बिजनेस चालू करने के लिए ऐसा नहीं करेंगे, कुछ अलग सोचेंगे और कुछ ऐसा सोचेंगे जहाँ पे लेस कॉम्पिटिशन हो। हमारा विजन माइक्रो बिजनेस में ऐसा होगा, विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट एम्प्लॉय, विदाउट आइडिया। हमारा बिजनेस प्लान ऐसा होगा कि हम ट्राई एंड एरर बेस से सीखेंगे और उससे अपना एक अच्छा माइक्रो बिजनेस तैयार करेंगे। चलो यार, ये बैकग्राउंड तो बहुत सारा हो गया, अभी एक्चुअल मजा लेते हैं, एक्चुअल वर्क कैसे करते हैं, एक्चुअल माइक्रो बिजनेस कैसे एस्टेब्लिश करते हैं वो देखते हैं। जैसा कि पहले डिस्कस किया था, आपके पास ऐसा पैशन होना चाहिए जो आप माइक्रो बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन हर एक आदमी के पास अलग अलग फील्ड में पैशन हो सकता है। सो आपको ये सर्च करना है कौन सा आपका पैशन मार्केट की डिमांड फुलफिल कर सकता है और पब्लिक को जो चाहिए वो मार्केट में अवेलेबल करके दे सकता है। तो ये दो सर्कल है, इसमें आपको पैशन और पब्लिक को जो भी चाहिए उन दोनों के बीच में जो भी कन्वर्जन आता है उसको ध्यान में रखते हुए अपना माइक्रो बिजनेस चालू करना है। सेकेंड आता है स्किल ट्रांसफॉर्मेशन। ये सबसे इफेक्टिव मेथड है और इससे कंपटीशन भी बहुत ही ज्यादा कम होती है। एग्जांपल देके समझाऊ तो एक टीचर है, लेकिन एक टीचर के पास कौन सी स्किल रहती है, अच्छी कम्युनिकेशन, अच्छी एडेप्टेबिलिटी,
क्राउड कंट्रोल, एक टीचर सिलेबस सेट करता है, लेसन्स कौन से डे पे लेना है ये प्लानिंग करता है, कोऑर्डिनेट करता है पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन के बीच में और हायर अथॉरिटी के बीच में। सो एक टीचर के पास कई सारे स्किल्स रहते हैं जिन स्किल्स का यूज करके वो अपना एक माइक्रो बिजनेस चालू कर सकता है। जरूरी नहीं वो टीचिंग फील्ड में अपनी ट्यूशन ही चालू करे। थर्ड, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक मैजिक फॉर्मूले जैसा है। आपको सिर्फ दो आइडिया को एक साथ लाना है। ये एकदम सिंपल एंड आसान है और यही ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी बुक में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। सो ये मैजिक फॉर्मूला ऐसा है, पैशन और स्किल्स प्लस यूजफुलनेस इक्वल टू सक्सेस। एग्जाम्पल देके समझाऊ तो एक पियानो टीचर रहता है जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है उसके खुद के स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड ट्रैक करने में, फीस आई है या नहीं आई ये देखने में, कौन सा स्टूडेंट कौन से लेवल पे काम कर रहा है, कौन सा स्टूडेंट कौन सी म्यूजिक बजा रहा है पियानो में, ये सब रिकॉर्ड करने को उसको नहीं होता था। और पियानो पढ़ाने के साथ साथ वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी करता था और फिर उसने अपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के नॉलेज का यूज करते हुए ऐसा सॉफ्टवेयर बना डाला जो हर एक स्टूडेंट का हर एक रिकॉर्ड ट्रैक करता हो, फी पेमेंट के लेके वो स्टूडेंट कौन से लेवल पे है, कौन से लेवल की म्यूजिक बजा रहा है और वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, स्टूडेंट कौन से लेवल पे परफॉर्म कर रहा है, वो ऑटोमेशन के हिसाब से उनके पेरेंट्स को मैसेज जाता था। सो ऐसा एक सॉफ्टवेयर वो पियानो टीचर ने बना डाला और ऑब्वियसली ये सॉफ्टवेयर इतना अच्छा था कि उसके कलीग्स को और भी पियानो टीचर को ये सॉफ्टवेयर यूज में आने लगा। सो उसने ये सॉफ्टवेयर का पेटेंट बेचना चालू कर दिया और वो आज के डेट में 21 लाख पर मंथ कमा रहा है। वो पियानो टीचर बोलता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरी प्रोग्रामिंग हैबिट एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर देगी जिससे मुझे इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी। फोर्थ आता है द रोड अहेड। हम लोग जो ये टॉपिक में सीखने वाले वो एकदम बेसिक है। इसके लिए ना ही आपको MBA की जरूरत है, ना ही कोई स्पेशल डिग्री की जरूरत है, ना ही आपको 5 लाख रुपए जैसे फंडिंग की जरूरत है। आपको सिर्फ नीचे बताए हुए 3 स्टेप्स की जरूरत है। स्टेप नंबर 1, आपके पास ऐसा प्रोडक्ट और सर्विस होना चाहिए जो लोगों की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सके। 2, आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जो आपका प्रोडक्ट बाय कर सके। और 3, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके पास ऐसा पेमेंट मेथड होना चाहिए जिससे आप लोगों से पैसे ले सकते हो। अगर आपके पास प्रोडक्ट है लेकिन प्रोडक्ट बाय करने के लिए बायर ही नहीं है, या फिर आपके पास बायर है लेकिन उसको बेचने के लिए आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, तो ये सिनेरियो एकदम यूजलेस है। आपका माइक्रो बिजनेस प्लान, आपका प्रोडक्ट या फिर सर्विस ऐसा होना चाहिए कि पब्लिक खुद होके आपको पैसा दे सके आपके सर्विस के लिए या फिर प्रोडक्ट के लिए, और आपको कम से कम एडवर्टाइजमेंट की जरूरत पड़ेगी। इनिशियल वर्क आपका बहुत हार्ड रहेगा और चैलेंजेस भी आएंगे इसमें, लेकिन अगर आपका सेटअप बैठा है तो बाद में रिपीटेटिव वर्क होगा और वो भी इंटरेस्टिंग तरीके से आपको परफॉर्म करना होगा। और अगर आपने पूरा सेटअप सेट कर लिया तो आपके पास फ्रीडम ही फ्रीडम होगा। सो इस वीडियो में हमने क्या देखा, एक बार 2 मिनट में रिकैप करते हैं। माइक्रो बिजनेस कोई डिफरेंट टर्म नहीं है, बस इसमें डिफरेंट एबिलिटी, डिफरेंट लॉन्चिंग स्कीम, डिफरेंट स्केलिंग स्कीम और आपका प्रोडक्ट या फिर सर्विस चीप प्राइस में होना चाहिए। 2, हाउ टू स्टार्ट माइक्रो बिजनेस इन 3 स्टेप्स। पहला, प्रोडक्ट और सर्विस होना चाहिए। दूसरा, आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जो आपके प्रोडक्ट और सर्विस ले ले। और 3, आपके पास उनसे पेमेंट लेने का एक तरीका होना चाहिए। जैसे टीचर का एग्जाम्पल दिया था, अगर आपके पास कोई भी एक स्किल है तो उसको माइक्रो स्किल में डिवाइड करो और कोई भी एक ऐसी स्किल पकड़ो जो आपको अच्छा खासा माइक्रो बिजनेस रन करने में हेल्प करेगी। और 4, सबसे लास्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं भी मानता हूँ, आपको 2 चीज को मर्ज करना है, जैसे पियानो टीचर ने किया था, 2 चीज को मर्ज करके अपना माइक्रो बिजनेस रन किया था। इस वीडियो में हमने देखा माइक्रो बिजनेस कैसे क्रिएट करे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे माइक्रो बिजनेस तैयार किया है लेकिन वो प्रोडक्ट और सर्विस हम लोग कैसे सेल करेंगे।